दोस्तों सीरियल अनुपमा में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कहानी ऐसे मोड़ लेने वाली है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। घर में पुलिस लेकर आएगी समर के कातिल को, यानी कि उस लड़के को जिसने क्लब में पहले तो लड़की से बदतमीजी की, अनुज से लड़ाई की और फिर नशे की हालत में गोली चलाई और वो गोली समर को लग गई। दोस्तों ये लड़का डिम्पी का एक रिश्तेदार है, डिम्पी से इस आदमी का रिश्ता है। जब वो घर पे आएगा और डिम्पी को रोता हुआ सदमे में एक कोने में पड़ा हुआ देखेगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो पूछेगा कि तू यहाँ पर क्या कर रही है, तुझे क्या हुआ है, तू ऐसी हालत में क्यों है। दोस्तों कौन है ये इंसान और कैसे जानता है ये डिम्पी को, बताएंगे आपको कहानी में आने वाले इस नए ट्विस्ट के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों कहानी में आगे आपको नजर आएगा कि पुलिस लगातार उस आदमी की तलाश कर रही है जिसने समर पर गोली चलाई और आखिरकार वो उसे पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद सीधा शाह हाउस में लेकर आएंगे, जहाँ पे हर कोई सारी की सारी औरतें देखेंगी कि इस आदमी ने नशे की हालत में उनके घर के चिराग को बुझा दिया, उनके बेटे समर को मार दिया, जिसके बाद हर कोई गुस्से में आकर उस इंसान के थप्पड़ ही थप्पड़ मार रहा होगा। लेकिन तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ेगी जो एक कोने में सदमे में बैठी होगी और उसकी हालत रो रो कर काफ़ी बुरी हो चुकी है। जैसे ही वो उस लड़की को देखेगा वो सब लोगों को छोड़कर भागकर उसकी तरफ जाएगा और पूछेगा कि तू यहाँ पे इस हालत में क्या कर रही है। ऐसे में डिम्पी जैसे ही उस आदमी को देखेगी वो उसको देखते ही चिल्लाएगी भैया। जी हाँ दोस्तों, डिम्पी का भाई अचानक से उसके सामने आएगा और वो गले लगकर उससे रोने लगेगी और कहेगी कि मेरी समर की मौत हो गई भैया, मेरा समर चला गया, मैं अब इस दुनिया में क्या करूँगी। और तब सारे घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हर कोई हैरान होगा ये सुनकर कि ये आदमी डिम्पी का भाई है। दोस्तों ऐसे में बाँ के ताने तो शुरू होंगे ही, लेकिन एक बहुत बड़ा सबक और पछतावा यहाँ पर इस आदमी को होने वाला है कि उसने अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ दिया। दोस्तों उस आदमी के लिए इससे बड़ी और कोई सजा नहीं होगी कि उसकी आंखों के सामने उसकी बहन विधवा है और उसकी वजह और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का भाई है। कहानी में आने वाला ये लेटेस्ट ट्विस्ट आप लोगों को कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।